कांग्रेस में 70 सालों में हम मार खा के आते थे और चुपचाप जाके चुपचाप अपने कोने में बैठ जाते, कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाते, चलो अब नहीं छेड़ेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान की इतनी पावर हो चुकी है कि आज एक हमारे आर्मी के फोर्सेस को मारते ना, हम वहाँ पे 10 मार रहे हैं, वो दम रखते हैं और चाइना तक को हमने ला रखा है। इसमें कहीं ना कहीं शरद पवार, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सरीके नेता है, तो ये कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा तो होने वाला है। मैं 100 बातों की एक बात कहना चाहूंगी, अगर इन सब में दम होता एक में भी तो ये मोदी जी के खिलाफ एकजुट ना होते, अकेले खुद से लड़ते। अगर आपका सामना करने की मुझ में हिम्मत है ना, तो मैं अकेली ही काफी हूँ। आप सब में दम नहीं है, इसलिए आप सब एक होकर मोदी के खिलाफ आए। मतलब एक मोदी जी से डर गए सारे, तभी वो एकजुट हो रहे हैं। हमारे भारत देश में एक ही शहर है, वो है मोदी, और मोदी के रहते ये सारे कितने भी तुच्छ मुच्छे एक हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भी आप काम देख लो, उसमें देश तरक्की कर रहा है और नरेंद्र मोदी के राज में देश हमेशा तरक्की करेगा। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो पूरे वर्ल्ड वाइज सबसे मशहूर हैं, और बाहर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके आगे पैर छूते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। आज तक एक बार बताओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, कोई भी प्रधानमंत्री एक्सपर्ट रहा, नेहरू रहा, कोई भी रहा, आज तक उनका बताओ कि कोई कार्यकाल ऐसा रहा हो जो पूरे विश्व के अंदर डंका बजाया हो किसी ने। राहुल गांधी, कोई भी एक ए टू जेड, कोई भी इनमें से कोई भी नेता चुन लो, ऐसा एक बताओ जो आज देश को संभाल सकता है। मोदी जी के 9 साल कंप्लीट हुए हैं आज, मोदी जी के पूरे 9 साल कंप्लीट हुए हैं, ऐसा कार्य बताओ जो उन्होंने देश के विरोध कराओ, जितने भी कार्य करे, राफेल आया, जितने भी मतलब अपने देश को हमेशा मजबूत करा, चाहे GDP हो, चाहे क्या कहते हैं अपना सेना के मामले में, जो सेनाओं को जो पूरी प्रोवाइड नहीं होती थी सुरक्षा, आज पूरी सुरक्षा प्रोवाइड होती है। जो क्या पाकिस्तान बॉर्डर से गोलियां चलती थी, हम खा के आते थे। मोदी जी ने बोला हमारा एक भी आर्मी का फोर्स मरेगा, किसी को भी मारते हैं तो हम 4 सर वहाँ से काट के लाएंगे, और आज वो सत्य हो रहा है। आज से इससे पहले एक बात बताओ मेरे को, किससे पहले कांग्रेस में 70 सालों में हम मार खा के आते थे और चुपचाप जाके चुपचाप अपने कोने में बैठ जाते, कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाते, चलो अब नहीं छेड़ेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान की इतनी पावर हो चुकी है कि आज एक हमारे आर्मी के फोर्सेस को मारते ना, हम वहाँ पे 10 मार रहे हैं, वो दम रखते हैं, और चाइना तक को हमने ला रखा है। चाइना की आपने बात करी, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कल की बात करे, वो कहते हैं दिल्ली विधानसभा में कि चाइना की बात आती है तो मोदी चुप हो जाते हैं, वो जमीन कब्जा रहे हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है पहले के मुकाबले, और ज़्यादा कर दिया। मेरे को तो अरविंद केजरीवाल के तरफ से मेरे को लगता है खुजली वाल, क्योंकि एक्चुअली उसका काम यही है कि जो अच्छा कार्य करेगा उसके जाके खुजली करेगा, उसको नाम ही खुजली वाल है। मोदी जी एक ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो पूरे वर्ल्ड वाइज सबसे मशहूर हैं, और बाहर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके आगे पैर छूते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। आज तक एक बार बताओ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, कोई भी प्रधानमंत्री एक्सपर्ट रहा, नेहरू रहा, कोई भी रहा, आज तक उनका बताओ कि कोई कार्यकाल ऐसा रहा हो जो पूरे विश्व के अंदर डंका बजाया हो किसी ने। जो G20 जो आज इंडिया के अंदर होने जा रहा है, दिल्ली के अंदर भी प्रोग्राम है उसका, आज तक इंडिया के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम करके दिखाया इन्होंने कि जहाँ पे देश का नाम हो। ओलंपिक्स हुआ 2010 के अंदर, घोटाला करा उन्होंने, सबसे बड़ा घोटाला ओलंपिक्स के अंदर हुआ। एक एक कुर्सी उन्होंने कहीं कहीं हज़ारों की बोली, AC जो लगाए वहाँ पे कहीं कहीं लाखों के बिल बना दिए AC के, सिर्फ रेंट के, इससे बढ़िया परचेज करके मेक इन इंडिया कर लेते। मेरे को तो आज तक इनकी समझ नहीं आई, एक तो खुजली वाल की मेरे को आज तक समझ नहीं आई। जहाँ पे मोदी जी अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे बिल लेके आते हैं, वहाँ जाके खुजली करना शुरू कर देता है, ऐसा क्या है इतनी केजरीवाल को मेरे को समझ नहीं आता। या तो उसको खुजली की कोई दवाई लगानी पड़ेगी जाके, जैसे सत्येंद्र जैन और क्या कहते हैं आपका एक और जो उसका मनीष सिसोदिया बंद है, बंद पड़ा है क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर। आज केजरीवाल की भी रिपोर्ट से बहुत जल्दी बंद होगा और साथ में अपना कार्यालय तिहाड़ जेल के अंदर खोलेगा। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, चौथी पास राजा है, कैसे देश को आगे बढ़ाएगा, हमारे पास विजन है, हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा एक बार बताओ, अगर चौथी पास होता तो प्रधानमंत्री हमारा देश का जो इतने रिस्पेक्टेड है, सबसे बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री बोलने वाला उसकी औकात नहीं है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री है, वो 32 राज्यों को चलाते हैं अपने इंडिया के। प्रधानमंत्री जी करके बात करें सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक प्रधानमंत्री सिर्फ अकेले को नहीं है, 140 करोड़ का है, उसको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आज प्रधानमंत्री फोर्थ पढ़े हैं, वो कहता है फोर्थ पढ़े हैं, अगर फोर्थ पढ़े होते ना पूरे विश्व में डंका नहीं बोलता उनका। और आज इंडिया के अंदर जितनी फास्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है ना हर चीज़ के अंदर, आज देखो जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है उसके अंदर, आज से पहले कांग्रेस कभी 20 साल 30 साल 40 साल एक चंद्रयान जो करा था, आज 9 साल के अंदर उन्होंने 3 बारी कर दी है चंद्रयान। पर मैं आपको बता सकती हूँ, रात में हम 12 बजे आज हम वहाँ निकल सकते हैं, लेकिन पहले हम 7 बजे भी सुरक्षा हुई है। अच्छा एक और सवाल है, देखिए
कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि इस बार मोदी का जो क्रेज है, मोदी का करिश्मा जो है, मोदी चेहरे का, वो इस बार घट गया है और बदलाव होने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है उठाने के लिए। उनको लगता है कि मोदी तो इतने मजबूत हैं, अब उनको हम कैसे दिखाएं कि वो कमज़ोर हुए हैं, तो वो ऐसी उल्टी सीधी बातें बनाते रहते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है, आप खुद समझदार हैं, आप तो मीडिया में हैं, आपको सबसे ज़्यादा पता होगा कि मोदी जी का डंका कहाँ कहाँ बज रहा है। तो आप ये देखिए, जो जिसकी देश विदेशों में इतनी धूम मची हुई है, वो बच्चा बच्चा छोटा छोटा बच्चा भी मोदी मोदी मोदी। तो विपक्ष का जो दावा है कि हम उखाड़ फेंक देंगे भाजपा सरकार को, क्योंकि देखिए जब बड़े बड़े मुख्यमंत्री शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं दावेदारी और मजबूत होती है, क्या लग रहा है ये दावा सफल नहीं होने वाला? बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। सिर्फ भाजपा, आप देखिएगा पहले से भी 100% ज़्यादा वोटिंग हमारी होगी, पहले से जितने वोट पड़े थे उससे भी और ज़्यादा हमें परसेंटेज मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप भी देखिएगा, और मैं सबको ये कहना चाहूँगी, एकजुट होके एक बार फिर से मोदी जी पर विश्वास करके देखिए। जो काम अधूरे अभी रह गए हैं दो बार के कार्यकाल में, वो अभी पूरे होंगे तीसरे बार के कार्यकाल में। 100% ये मेरा विश्वास है, मोदी जी के होते ही जितने काम अभी बीच में रह गए हैं जो उन्होंने शुरू किए हैं वो सब पूरे होंगे, ये मैं वादा करती हूँ। देखिए बार बार चुनाव का माहौल है, 24 लोकसभा चुनाव है, राहुल गांधी जो है वो बड़े आक्रामक हो गए हैं अभी, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार जो अहंकारी हो गई है, मोदी अहंकारी हो गए हैं, और जो है कहीं ना कहीं रावण के बराबर उनका अहंकार, और ये अहंकार ही जो है उनकी पतंग का कारण बनेगा। भाई साहब, उनको तो यही नहीं पता रावण कौन है। और आप देखिए ना, 2007 में इन्होंने क्या कहा था कि राम सेतु ही नहीं है, रामायण ही नहीं है, राम कौन थे उन्हें पता ही नहीं है। अब अचानक से जब हमारे मोदी जी आ गए, वो हर मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, राम मंदिर का, काशी विश्वनाथ का, मथुरा का उद्धार हो रहा है, तो अब उन्हें भगवान जी याद आ गए। बोल तो सबको पता है मोदी ने ही आना है, क्योंकि एक्चुअली ये जो इन्होंने इंडिया अपना बनाया है, इंडिया कहने से कोई इंडिया नहीं होता, ये भ्रष्टाचार की सरकार है और सबको पता है। जो गठबंधन बनाया, एक ऐसा चेहरा दिखा दो जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, जितने हैं सारे भ्रष्टाचार के लिप्त हैं। लेकिन देखिए, विपक्ष का आरोप है कि 9 साल समाप्त हो चुके हैं, 9 सालों में जनहित के मुद्दे कुछ नहीं हुए हैं, बड़े बड़े मुद्दे जैसे हिंदुत्व जैसे मुद्दे लेके आ जाते हैं बस। ये किसने बोला है कि काम नहीं हुए? आज देख लो परवान के अंदर और भी अनेक कार्य हैं जो क्या कहते हैं अपना सुई से लेकर हर एक चीज़ तक प्रोडक्ट इंडिया में बनना लगे, मेक इन इंडिया हो रहा है। हर एक ऐसे कार्य हैं जो सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, हर एक दूसरे शहर से दूसरा कनेक्ट हो रहा है, और हाईवे का निर्माण देखो कितना फास्ट हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बाहर विदेशों से पहले हम माल लेते थे, आज विदेशों को माल सप्लाई कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट में देखो कितनी वृद्धि मिल रही है, आजकल इंपोर्ट कितना मिल रहा है। देखिए, आरोप ये भी है कि महंगाई के मुद्दे पे मोदी चुप, मणिपुर के मुद्दे पे मोदी चुप, तो किन मुद्दों पर जनता के सामने जाएंगे वो? आज एक बार बता दो, जो सिक्कों के साथ अन्याय हुआ 84 के अंदर, और इतने ऐसे ऐसे कार्य हैं जो कांग्रेस ने करे सिखों का, सिर्फ सिखों का लेकर पर्टिकुलर, और जो आप हिंदुत्ववाद की बात करते हो, आज तक ये बताओ कांग्रेस 70 साल रही, 70 साल राज करा, 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने एक ऐसा काम बता दो जो हिंदू को लेकर कराओ, कोई सिख को लेकर कराओ, सिखों में 84 कराई, बाबरी और हिंदुओं के ऊपर बाबरी को लेकर गोलियां चलवाई, अनेकों ऐसे कार्य करे जो दूसरे धर्मों को कराए और एक धर्म को प्रमोट करा सिर्फ, और आज वही प्रमोट करके आज हमारे देश के ऊपर हैवी कर रखे हैं। कोई काम होगा, कोई बिल पास होता है, वो धरना लगा के बैठ जाते हैं, कोई मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे होते हैं उनके लिए भी, जैसे 3 तलाक का कानून है खत्म करा, आज मोदी जी ने लेडीज़ों को पूरा सम्मान दिया जो हिंदू को सिख को मिलता था, आज वो मुसलमानों को भी पूरा सम्मान दिया है। आज तक इतनी 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने एक बात बताओ सिर्फ और सिर्फ फूड राजनीति के अलावा क्या करा? आज मोदी जी कहते हैं, सारे विपक्षों को कहते हैं कि अच्छा कार्य करो हम तुम्हें समर्थन करेंगे, और एक ऐसा कार्य कर रहे हैं मोदी जी जो सिखों के प्रति जो हम अरदास करते हैं करतारपुर कॉरिडोर को लेकर, कि करतारपुर साहब के लांगा खोला जाए, और मोदी सरकार ने वो करके दिखाया है, और अफगानिस्तान के अंदर सिखों को हिंदुओं को कोई भी दिक्कत हुई वो इंडिया लेकर आई, गुरुग्रंथ साहब जी पूरे आदर मान सम्मान से जैसे हम रखते हैं गुरुद्वारे के अंदर पाठ पूजा करते हैं उसी आदर सम्मान के साथ साथ इंडिया लेके आए और गुरुद्वारे में जाके स्थापित करा। देखिए, विपक्ष के गठबंधन का नाम रखा गया इंडिया, और बार बार ये कहा जाता है कि देखिए इस बार जो इंडिया है वो जनता के बीच में एकदम फिट बैठने वाला है और इसका फायदा चुनाव में होने जा रहा है। यार एक बात बताओ, मेरे को हंसी आती है, इंडियन आप नहीं हो, इंडियन मैं नहीं हूँ, मैं आपका नाम इंडिया रख देता हूँ, आपको प्रधानमंत्री थोड़ी ना बना दूंगा, एक बार बताओ उसके अंदर गट्स भी तो होने चाहिए। देखो, गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली की जो राजनीति इस टाइम चल रही है, दिल्ली में केजरीवाल मॉडल बिल्कुल फेल है, इन्होंने भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जाल फैलाया हुआ है
कि इनके पहले दो दो मंत्री हर भ्रष्टाचार में जेल में बंद है। आज ये तीसरा केस इनके विधायक के खिलाफ देखो यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये अक्रॉसमेंट ये कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, शरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता देख रही है कि ये किस नीति के लोग हैं। केजरीवाल के जितने भी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं लिप्त हैं भ्रष्टाचार के अंदर, महिला शोषण के अंदर, चाहे वो दिल्ली के अंदर नशा बांटने का काम हो, गली गली में नशा बांटने का काम हो वो इन्होंने किया, लोगों को धमका के पैसा मांगने का काम, लोगों के मर्डर कराने का काम, यहाँ तक ये गिर गए हैं कि इनको पैसे के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा और ये पैसे के लालची हैं, ये स्पष्ट हो गया है। देखिए अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं रामलीला मैदान से जो है दिल्ली की राजनीति में पहुंचे थे, क्या लग रहा है आपको गरिमा को ठेस पहुंचा उस मैदान की? क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता से वादे किए गए थे कि शुद्ध जल मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बढ़िया मिलेगी आपको, क्या लग रहा है खरे नहीं उतर पा रही? देखिए भोली भाली दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम केजरीवाल ने किया है। ये कहता था कि हम वो राजनीति करेंगे कि जिसके अंदर हम कभी भी वीआईपी कल्चर नहीं अपनाएंगे, आज पूरा वीआईपी कल्चर ये अपना रहे हैं। ये लोगों को दिल्ली की भोली भाली जनता को छलने का काम इन्होंने किया है और दिल्ली की जनता आप जान गई है, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी केजरीवाल। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें माहौल अभी उसका बना हुआ है, विपक्ष का जो गठबंधन है इंडिया नाम रखा गया है, विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि इंडिया बनाम मोदी की लड़ाई है, इंडिया बनाम मोदी की विचारधारा की लड़ाई है, इंडिया जीतेगा मोदी हारेगा। देखिए जो इंडिया जो इन्होंने गठबंधन बनाया है, गठबंधन के जो आपने देखे होंगे जितने सहयोगी दल हैं, कोई ऐसा सहयोगी दल नहीं है जिसके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का केस ना लगा हो, जो जेल में ना गया हो, जो करप्शन में ना हो। पहले इन्होंने क्या किया, पहले भी तो गठबंधन की सरकार चला रहे थे, देश को जमीन से लेके आसमान तक खा गए, भ्रष्टाचार था ना। आज मोदी सरकार को 10 साल होने वाले हैं, एक भी भ्रष्टाचार का केस अगर भाजपा सरकार पे लगा है तो वो पब्लिक जानती है देश का क्या विकास हो रहा है, देश आज कहाँ जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का काम हो, चाहे वो रोडों का काम हो, चाहे वो कोई भी आप काम देख लो उसमें देश तरक्की कर रहा है और नरेंद्र मोदी के राज में देश हमेशा तरक्की करेगा। देखिए विपक्ष में राहुल गांधी बड़े नेता है, कहने के वो ऐसा कहते हैं कि लोकसभा चुनाव आ गए मोदी डर गए इसलिए हमारी मेंबरशिप जो है वो रद्द कर देते हैं। अभी उनका बयान भी है संसद में कि मोदी जो है वो रावण के समान है, दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह की है अडानी की, ये अहंकार वाली राजनीति करते हैं और इस बार जो है देखिए अहंकार की कोई बात नहीं है। जो आप जिस राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं वो तो खुद जमानत पे वह और उनकी माता जी खुद जमानत के ऊपर इस देश में रह रहे हैं, उन पर भी केस रजिस्टर्ड है। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या कितनी सीटें जीत पाएगी बीजेपी? पहले 300 प्लस थी, अब 300 से और ज्यादा आएंगे। तो लोकसभा चुनाव में क्या यही मुद्दे जो है प्रमुख रहेंगे? अब वो भी हमारे भगवा पहन पहन कर मंदिरों में घूम रहे हैं, माला पहनकर, जनेऊ पहनकर, उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो क्रिश्चियन है, वो मुस्लिम है या वो हिंदू है, समझ ही नहीं आता। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी कि हमने मंदिर निर्माण कराए? नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, हमने समाज कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। हमारी आप मोदी जी की योजनाएं देखिए, 170 से ज़्यादा योजनाएं हैं जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है। आप अभी लोगों को पता नहीं है, उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, हम लोगों ने तो इतने लोगों को लोन दिया है, मोदी जी ने इतनी सारी योजनाएं शुरू की हैं, आपको पता भी नहीं है। आप जरा पोर्टल पे जाके देखिए कितनी सारी योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इतनी उन्होंने योजनाएं शुरू की हैं। जो बच्चे पैदा होते हैं उनको, माताओं को 6,000 रुपये दिए जाते हैं, और कितनी कितनी पोषण अभियान है जिसमें बच्चों को पोषण दिया जाता है, उनको विटामिन्स की दवाइयाँ दी जाती हैं। इतना ध्यान रखने वाली अगर कोई सरकार है तो वो मोदी सरकार। लेकिन विपक्ष के गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है इसमें कहीं ना कहीं शरद पवार, ममता बनर्जी, एम के स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी सरीके नेता है, तो ये कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा तो होने वाला है। मैं 100 बातों की एक बात कहना चाहूंगी, अगर इन सब में दम होता एक में भी तो ये मोदी जी के खिलाफ एकजुट ना होते, अकेले खुद से लड़ते। अगर आपका सामना करने की मुझ में हिम्मत है ना तो मैं अकेली ही काफी हूँ। आप सब में दम नहीं है इसलिए आप सब एक होकर मोदी के खिलाफ आए, मतलब एक मोदी जी से डर गए सारे तभी वो एकजुट हो रहे हैं। आप ये बात नोटिस कीजिए कि मतलब आप में कोई दम नहीं है, अकेले स्टालिन कुछ नहीं है, अकेले राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, अकेले ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए वो सब एकजुट होकर के मोदी जी से लड़ना। एक तरफ हमारा मोदी और एक तरफ ये सारे के सारे, तो आप ये बताइए जंगल का राजा कौन कौन है, बताइए शेर कौन है,
हमारे भारत देश में एक ही शहर है, वो है मोदी, और मोदी के रहते ये सारे कितने भी तुच्छ मुच्छे एक हो जाए, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में 300 का आंकड़ा पार होने वाला है? अरे 400 का आंकड़ा पार होएगा, आप मेरा लिख के ले जी। पिछली बार हमने कहा था कि 300 के ऊपर हमारी सीटें जाएंगी, इस बार हम दावा करते हैं 400 से ऊपर हमारी सीटें जाएंगी। और आप भी मेरा नंबर लीजिएगा और इस बात को हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि 400 से ऊपर हमारी सीटें जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, मोदी जिंदाबाद।